तुम्ही का आले तिकडे? आम्ही वन प्लॉट जमीन आहे त्याच्यासाठी आलो, आणि आमची मालकी जमीन आहे ती आमच्या नावावर नाही झालेली आहे त्याच्यासाठी आम्ही आलो, त्याचे प्रश्न घेऊन इकडे पाय चालत आलो. पालघर जिल्ह्यावरशी आलो आम्ही. पालघर जिल्ह्यातून आले? हो, पालघर जिल्ह्याचे आलो. काय काय पालघर जिल्ह्यात तुमचे प्रश्न काय काय आहेत? वन पट जमीन आहे ना आमची फॉरेस्टर, ती आम्हाला नावावर झाल्या पाहिजे ना. जमीन आमची मालकी जमीन आहे ना, ती शेठ लोकांचे नावावर आहे, ती आमच्या नावावर झाली पाहिजे. अच्छा, हा, ती तुमची मालकी जमीन आहे? हो, मालकी. शेठ लोकांची जमीन ती तुमच्या नावावर कसं काय चढणार? त्यांचं म्हणणं कसं काय, ते पहिलेपासून त्यांच्यावर नाव? नाही नाही, आमचे आहे, आम्ही हस्ते लागलो होते. अच्छा अच्छा, तर ते आमचे नावावर करून नाही. कसं तुम्ही कसत आहेत तिकडे? हो, आम्ही कसत आहो. अच्छा, ये अपने पालघर जिले से आए हुए हैं और इनके जो फॉरेस्ट जमीन है, फॉरेस्ट जमीन है, ये फॉरेस्ट जमीन के लिए मांग करने आए हैं. आज इनके काफ़ी सालों से इन लोग उस जमीन पे किसानी कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, और इनकी मांग है कि वो हमारे अभी फॉरेस्ट की जो जमीन है वो हमारे नाम पे 7-12 हो जाए. काफ़ी साल से पहले फॉरेस्ट जमीन का जो कायदा नियम नहीं था तब से किसानी कर रहे हैं, और उसके बाद अभी इनके जो साहूकारी लोग का जमीन बता रहे हैं, जिनके मालकी अभी जमीन कर दिया सरकार ने, वो जो इन लोग कस रहे थे पर वो किसी और के नाम पे 7-12 चढ़ गया है. तो उनकी डिमांड कि हमारी ज़मीन हमको वापस दिया जाए, ये उनकी मांग है. इसके लिए इन लोग ये लॉन्ग मार्च में आए हुए हैं. ये मार्च जो है जो शुरू हुआ है जी, इसमें प्रमुख मांग क्या क्या है? प्रमुख मांग ऐसे है कि किसान पहले फॉरेस्ट की जो मांग है, वन खाते की जमीन जो वन की है, जो फॉरेस्ट ज़मीनें हैं वो उनके नाम पे 7-12 हो जाना चाहिए, ये उनकी प्रमुख मांगे है. दूसरी, जो मंडी में MSP भाव चल रहा है उसको एक कांस्टेंट मार्केट बनाना है, कांस्टेंट रेट बनाना है. उसके बाद में जो इनकी प्याज का, यहाँ ज़्यादातर अभी हम लोग नासिक आते हैं, जो बड़े किसान हैं नासिक, पूरे महाराष्ट्र जानता है, तो उसमें प्याज का आलू का बड़ा ये उत्पादन होता है. और पालघर डिस्ट्रिक्ट में मिर्ची जो होती है, मिर्ची का उत्पादन ज़्यादा होता है. काफ़ी सारे ऐसे किसानों के अपने अपने डिमांड्स है जो उनको कांस्टेंट फिगर मिलना चाहिए, एक न्यूनतम उसके ऊपर परफेक्ट बैठना चाहिए उसके लिए. पर होता ऐसा है कि अचानक से भाव गिर जाता है. बीच में अभी हाल ही में माल गिरा था, लॉन्ग मार्च हुआ, उन दरमियान में सिर्फ 1 रुपया किलो प्याज हो गया था. वो किसानी क्या खेती बाड़ी करेगा और क्या किसान अपना फसल उगाएगा और क्या बेचेगा, उसको मार्केट में जब जाता है तो गाड़ी का भाव मात्र, उसको बोला कि 150 रुपये का रुपया ले ले और पूरी ट्रक दे के चले जा, उसका वो ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं छूटा, ना डीजल का भाव छूटा. तो ये अन्याय हो रहा है किसानों के साथ में. लगभग बार बार किसानों पे हर वार किया जा रहा है, सरकार केंद्र से हो या राज्य से हो, जो भी हो, पर किसानों को फंसाया जा रहा है. काफ़ी सारे सवाल से जो भी वन दावे की ज़मीन है, जो भी कि आज आदिवासी यहाँ के हमारे पूर्वज हैं, आज इनके दादा परदादा काफ़ी साल से किसानी कर रहे हैं, जब भी अंग्रेज थे उसके पहले से किसानी जंगल उनके अंडरटेकिंग में, पहले से जंगल उनके पास ही है. आज वो जंगल को सिस्ते आज उन लोग खेतीबाड़ी करते आज इतने टाइम से उन लोग खेतीबाड़ी करने, किसानी करने के बाद अचानक से अंग्रेज चले जाते और फिर ये सरकार आती है, फिर अचानक किसी ना किसी नाम पे कोई धनी रहता है उसके, जो यहाँ रहता भी नहीं है, उन धनियों के नाम पे 7-12 चढ़ा दिया है. और वो जो जिसकी मूल जमीन थी उनको दिया नहीं गया, उनको अभी ये खदेड़ने का काम कर रहे हैं उनके ज़मीनों से. अभी हाल ही में हमारे पालघर के अंदर में कुछ फॉरेस्ट का भी जो प्रोजेक्ट आला है, वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे, जो मोदी जी का बहुत बड़ा लक्ष्य है कि वडोदरा मुंबई और गुजरात को जोड़ा जाए, जैसे बुलेट ट्रेन वगैरह, उसमें इतनी राजनीति हो रही है. उन्होंने एक पर्टिकुलर टीम भेज दी है वहाँ पे, जो एजेंट के नाम पे काम कर रही है, और वहाँ पे उन किसानों के द्वारा उनसे लूट मचाई जा रही है, जो उनके हिस्से की पैसे जो आ रहे हैं, उनके शुल्क जो आ रहा है, किसी एक के नाम पे उनको परिवार में झगड़ाया जा रहा है कि एक के नाम पे 7-12 के अंदर किसी एक को मिलेगा, बाकी जन को फिर धक्के खाते घूमेगा. सरकार के लिए मोर्चे निकाल रहे हैं. अभी हाल ही में जिन लोगों को कुछ मूल्य नहीं मिला, जो उनकी जो राशि नहीं मिली, उनका घर खाली किया, JCB ला के तोड़ दिया गया, औरतों को खदेड़ के बाहर निकाले, कपड़े फटे तक उनको बाहर खदेड़ा, मारा गया उनको, बच्चे छोटे छोटे बच्चे को हाथ से छीन के दिया गया बाद में. ऐसे करते वक्त में शासन हमारे, बाद में मीडिया वहाँ पे जाती है तो मीडिया को खदेड़ दिया जाता है, तो फिर आदमी बात कैसे करेगा, कैसे अपनी मांग रखेगा? फिर वो लॉन्ग मार्च के माध्यम से हम लोग उसी माध्यम से यहाँ पे इतने सुनाया जा रहा है, फिर भी किसी मीडिया को कुछ पड़ी नहीं. पर आप जैसे है कॉमरेड की अब आते हैं कोई, तो उसे हमको बहुत
फायदा होता है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी वाला सवाल है जी, आपका बाकी फसलों का उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे? फिलहाल ऐसा कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ बातों पे रह गया, ना वो कोई पेपर पे आया है, ना कागजात पे आया कि हम तुमको देंगे ही, ऐसी कोई बात हुई नहीं है अभी तक। हाँ, बीच में हाल ही में अभी जब नासिक टू मुंबई में लॉन्ग मार्च निकला तो सरकार ने बोला कि हम आपके मांगों पे पूरा ध्यान देंगे, तुरंत से तुरंत काम पे लगा देंगे, बस लॉन्ग मार्च रोक दीजिए। उस लॉन्ग मार्च रोकने के लिए उन्होंने अपनी हामी भर ली और बेवकूफ़ बना दिया किसानों को। ऐसे काफ़ी सवाल है कि किसानों को और मजदूरों को, जैसे अभी जो मजदूरों का काफ़ी सारा एक्ट चेंज किया गया है, जो अपना एक मजदूर कोई किसी फैक्ट्री में मांग नहीं रख सकता, अपने पेमेंट के लिए बात नहीं कर सकता, कल को इंडस्ट्रियल ऑनर के मन में आ जाता तो उसको तुरंत निकाल दिया जाएगा, वो अपनी 5 साल के 10 साल के या 20 साल की उसके जो कार्यकाल है, उसने प्लांट बढ़ाने में जो खून लगा दिया या पसीना लगा दिया है, उसको आप कभी भी खदेड़ के बाहर निकाल देते, और अपनी मांग भी नहीं रख सकता, ऐसा कायदा किस काम का, पूरे कायदे चेंज कर दिए। आज ऑनरों के खिलाफ में पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन रखे, वर्करों के लिए कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, वैसे ही किसानों का भी, किसानों तो सिर्फ खदेड़ दिया, उनको तो सिर्फ मोर्चे निकाले जा रहे हैं। आज दिल्ली का जो किसान आंदोलन हुआ, तब से लेकर अभी तक ये केंद्र सरकार हमको बेवकूफ़ ही बेवकूफ़ बनाई जा रही है, किसी भी एक भी किसान की कोई बात सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए अभी इस बार हमारी इतनी मांगे कि इस बार किसान सरकार आ जानी चाहिए और किसानों के लिए किसान ही बात करेगा।